Sherry. यार बारिश हो भाई, चुप हो जा शेरी, शोर नहीं करना। आ रही हूँ, आवाज आ रही है, माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3। पता नहीं आ रही है, नहीं आ रही, फिर देखना पड़ेगा। लिटरली अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, थक गई मैं तो। ये सेटअप करने में माया दीदी निकल गया मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप आप सब ठीक होंगे। सो आज आप बोलोगे आज ये इतना तामझाम क्या कर रही है। सो टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सो आज मैं करने जा रही हूँ क्या नहीं वीडियो। सो आज मतलब काफ़ी टाइम से कर रही थी, आप लोगों को जैसे पता है कब बोला था, जब मेरे 1K हुए थे तब करना था, लेकिन आज काफ़ी टाइम हो गया 1K को हुए। लेकिन यार सच में बहुत बिजी थी और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं क्यों नहीं करूँ। सो आज टाइम मिला है। सो आज मैं अपनी क्यों नहीं करने जा रही हूँ। सो कुछ मैंने क्वेश्चंस डाले थे, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी यूट्यूब पे, कुछ क्वेश्चंस वहाँ आए मुझे और कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे डाले थे, कुछ वहाँ से आए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्यों नहीं वीडियो का। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस सरफ सरफ स्लैश मलही मलही 7, इनका क्वेश्चन है वे आर यू फ्रॉम चेन्नई हिम्मत। सो सॉरी, मैं चेन्नई हिम्मत से नहीं हूँ, मैं JNK से हूँ और चेन्नई हिम्मत का मैंने नाम भी नहीं सुना कि वो कहाँ पे है। मैं मिस नैन्सी चौधरी और इनका क्वेश्चन है कि आप मुझे मिस करते हो। हाँ जी, मैं आपको मिस करती हूँ। और ये है मतलब कि नैन्सी चौधरी शीतल की कज़न है और मैं इसको फर्स्ट टाइम शीतल के बर्थडे पार्टी में मिली थी। सो यस, मैं आपको मिस करती हूँ और शी इज़ वेरी स्वीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गगन स्लैश 1984, सो इनका है कि दी आप बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हो। सो थैंक यू सो मच, आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुसी सरप 16 DEC, आई थिंक ये 16 दिसंबर इनकी बर्थडे की वो है। सो हाई, माई नेम इज़ सिमरन, मुझे ये पूछना है कि आप स्टडी कहाँ करते हो। और ओके, मैं जम्मू में स्टडी करती हूँ, ये रहा मेरा आंसर। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो मेरे को मतलब बीच बीच में से चूज़ कर करके बता रही हूँ, क्योंकि इतने सारे तो मैं बोलूँगी नहीं, फिर व्लॉग सारा काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इतना बड़ा व्लॉग, वो लोग इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाना शुरू हो गई है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनदीप कौर और इनका क्वेश्चन ये है कि पुंछ कब आना है। सो पवन, अभी मुझे खुद भी नहीं पता पुंछ कब आना है, मुझे एटलीस्ट जम्मू में 6 महीने हो चुके हैं, मतलब 6 मंथ हो चुके हैं जम्मू आए हुए, और घर कब जाना है कुछ नहीं पता। सो क्या, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस KP सिंह करण, ये करण का क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है, जब आप कॉलेज से आते घर आते हो तो इतना गुस्सा क्यों करते हो। ओहो, इसने ना मौका देख के चौका मारा है कि पूछने के लिए, सॉरी ये आप जिसको नहीं पता होगा ये कहावत है मौके पे चौका। और इसका क्वेश्चन ये है कि आप जब कॉलेज से आते हो और गुस्सा क्यों करते हो, और लिटरली आप तो बड़े शरीफ हो, जैसे कि इतना गन डाला होता है इसने, जब मैं घर आती हूँ तो वो देख के ऑटोमेटिकली मुझे गुस्सा आ जाता है, तो गन डालना बंद कर देगा तो मैं भी गुस्सा करना बंद कर दूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह कुलविंदर 77 और इनका क्वेश्चन है वाई यूर सो क्यूट। ओ, मैं क्यूट हूँ, सो थैंक यू, क्यूट हो तो, मुझे वैसे पता नहीं था कि मैं क्यूट हूँ। शारी सिट डाउन। उसके बाद है मिस अभिलाषा शर्मा, इनका क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज़। सो मैं क्या करती हूँ आजकल, क्या ही करती हूँ यार, तो जो तू कर रही है वही कर रही हूँ, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, यही चल रहा है लाइफ में और क्या। और आगे है प्रीति 6765 और इनका है कि आप टाइम निकालो बात करने का यही काफ़ी है। ओ भाई, कौन है ये मिस प्रीति जो इतना कुछ कहेगी। सो क्या बात करना चाहते हो, जो बात करना चाहते हो मैं फ्री हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको मुझसे क्या बात करनी है, सो बात कर लेंगे। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनदीप कौर और व्हेन विल यू मैरी। नो बेबी, अभी हमने मैरी नहीं करनी है, और ये मेरी कज़न है, पता नहीं इनको ये मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदित, मुदित 24S। यार ये कैसे कैसे नाम है यार, मुदित 24S सीधा लिख दो। वाई आर यू सो ब्यूटीफुल, ओ भाई वाई आर यू सो ब्यूटीफुल, फिर कह रहा है वाई आर यू सो क्यूट, वाई आर यू सो ब्यूटीफुल। सो थैंक यू आप लोगों को, मैं ब्यूटीफुल और थैंक यू लगी, वैसे मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने मुझे बताया ओके और मैं ब्यूटीफुल क्यों। सो ये तो आपको मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप खौर, क्या पूछूं क्या पूछूं आपकी ग्लोइंग स्किन का राज। और बहना ये फिल्टर है, जब ओरिजिनल मिलेंगे सो तब बताना ग्लोइंग है या नहीं है ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है शान राजपूत 9491 और इनका क्वेश्चन है कि मेरे साथ डाला करो यूट्यूब पर वीडियो। सो थैंक यू, पर मैं अपने चैनल पर वीडियोस डाल के खुश हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तनप्रीत सिंह, फर्दर स्टडी कंटिन्यू करनी है या शादी अब। सो शादी के बारे में तो अभी हमने दूर दूर तक सोचा नहीं है कि शादी करनी है, सो स्टडी कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजेता रैना, व्हाट्स योर ड्रीम। मेरा ड्रीम क्या है, ड्रीम मेरा है मुझे फॉरेन जाना है तो देखते हैं पूरा होता है या नहीं। सो नेक्स्ट, बहुत तेज हो रहा है वॉरियर लाइट, इसका वॉरियर लाइट। सो इनका क्वेश्चन है डू यू हैव एनी ओमेगल वीडियो ऑन यूट्यूब। सो नहीं, मेरी कोई वीडियो नहीं है, मैं ब्लॉग्स डालती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैश रामगढ़िया 911। सो रामगढ़िया कौन है ये रामगढ़, इनका क्वेश्चन है हाय मैम पहचानिया। यस मैंने आपको पहचान लिया, आप मुझे मिले थे हिमाचल पे। सो यस मैंने आपको पहचान लिया। सो आपका मेरे को नाम भूल चुका था, आई फॉरगेट, क्योंकि मेरा फ़ोन मुझे तब धोखा दे चुका था। सो हाँ मैंने पहचान लिया आपको। सो नेक्स्ट शीतल चौधरी, हाउ मच क्रिटिसिज्म यू फेस थ्रू योर व्लॉगिंग जर्नी एंड आपके मोटिवेटर कौन है इन दिस। सो क्रिटिसिज्म तो यही हुआ कि मतलब कि बोला गया कि लड़की को व्लॉगिंग बंद करा दो। सो बहुत कुछ बोला गया, व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ये मतलब ऐसे लड़के देखते हैं, लड़के देखते हो सो व्हाट, क्या कहीं कहते हैं आप मतलब ये चीज़ें छोड़ दो, ये वो, ये जो उल्टे काम शुरू किए, ये उल्टे काम किया, मतलब क्या कहना चाहते हो आप लोग। सो आप लोगों के लिए और मेरे मोटिवेटर यही हैं, मेरी फैमिली है मेरी मोटिवेटर। सो जब कभी ऐसा कुछ होता है तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और यही क्राइटेरियम होता है, ये ऐसे ही होता है। अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना तो लोग ऐसे हैं कि आपको खींच के नीचे उतारेंगे, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। सो जस्ट चिल, एंड मेरे मोटिवेटर मेरी फैमिली ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप कौर, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन वर्ल्ड। वर्ल्ड की फेवरेट प्लेस बोलो तो अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ज़्यादा कहीं गई नहीं हूँ। सो अमृतसर, यस अमृतसर जो है वो मेरी फेवरेट प्लेस है। और रिया सबरवाल, इनका क्वेश्चन है व्हाट्स योर हिडन टैलेंट। मेरा हिडन टैलेंट यार मुझे खुद नहीं पता मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है, बट हाँ जो भी हो रहा है वो दिख रहा है, आप देख लेना ये मेरे क्या क्या टैलेंट हैं, अगर कुछ छुपा होगा तो वो भी दिख जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है मैंने कुछ छुपाया हुआ है, सब कुछ तो दिखाई दिया है यूट्यूब पे। सो यस नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाली चौधरी और इनका क्वेश्चन है व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर कंप्लीट GNM। सो बहना आपके साथ ही करूँगी, पोस्ट BSc करनी है हमने और साथ में ही करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सारिका वर्मा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल SMGS हॉस्पिटल में। SMGS हॉस्पिटल में का तो पता नहीं क्योंकि मैं गई बहुत कम हूँ, क्योंकि बीमार गई हूँ मैक्सिमम। सो एक तो शारी मेरे को बोलने नहीं दे रहा, शारी सॉरी 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 ओके ओके नो 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 हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, जैसा भी रहा मज़ा आया। सो ममता राठौड़, आप इतने सुंदर कैसे हो। ममता राठौड़ आपका, आप इतने सुंदर कैसे हो। सो सुंदर आपकी सोच है इसलिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। सो अगर मैं आप बुरी होती आपके साथ तो शायद मैं आपको सुंदर ना लगती। सो थैंक यू, आपको मैं सुंदर लगी। सो क्लच दी नूप, आपकी नेक्स्ट चैलेंज वीडियो कब आएगी। सो सॉरी आप कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मैंने आज तक कभी चैलेंज वीडियो बनाई ही नहीं, तो क्या चैलेंज वीडियो बनाऊंगी मैं।
सो नेक्स्ट है क्लच सिमरनजीत, आपकी स्टडी के आगे का क्या प्लान है दीदी? सो ये सिमू है, मेरी कज़न है, और मेरी आगे का प्लान यही है, मुझे पोस्ट पीएचडी करनी है। और नेक्स्ट गुरप्रीत कौर, पुंछ कब आओगे? मुझे खुद नहीं पता कब आऊँगी, क्या याद करवा देती हूँ। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। रंजू शर्मा, आपको क्या पसंद है लाइक खाने में? अपने खाद का खाना बिल्कुल नहीं, और दूसरा फास्ट फूड बहुत पसंद है मुझे खाना। और साजदीप कौर, यू वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर एंड योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग क्या है, फेवरेट सॉन्ग नहीं कह सकती, सिंगर तो मुझे सरताज पसंद है, और सत्येंद्र सरताज मुझे पसंद है, और मुझे उसका जो सॉन्ग है मासूमियत, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए फैक्ट फैक्ट्री। यार एक तो मुझे समझ नहीं आती लोग अपने ओरिजिनल नेम क्यों नहीं डालते हैं, तो यही है फैक्ट फैक्ट्री। क्या आप सिंगल हो? यार हाँ मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, कि आपको मैं डबल लग रही हूँ किसी एंगल से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट फैक्ट्री, फिर उन्हीं का ही क्वेश्चन है मेरे लिए। और आप क्या करते हो, व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की? ओ मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ नर्सिंग करने आई हूँ। और मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ जो है वो कैच करनी है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे, मैं अभी यहाँ पढ़ रही हूँ, सो मुझे अपनी लाइफ कैच करके रखनी है, मतलब हर डे, मुझे मतलब हर डे नहीं कह सकती, जो मेरी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट्स डे हैं वो मैं कैच करना चाहती हूँ, मुझे मेमोरीज कलेक्ट करना अच्छी लगती है, सो इसलिए मैं अपना मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। सो नेक्स्ट अगेन फैक्ट फैक्ट्री, दीदी आपके टूथपेस्ट में नमक है? भाई तो चाहता क्या है मेरे से, हाँ मेरे नमक में टूथपेस्ट सब तुलसी सब कुछ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मैन शॉट। सो इनका क्वेश्चन है डू यू फैमिली सपोर्ट? यस, मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही होती तो शायद ये चैनल बंद हो चुका, और ये हो चुका होता, और मेरी जितनी वीडियोस हैं अभी तक वो सब की सब डिलीट हो चुकी होती, क्योंकि हेटर्स। सो वन शॉर्ट मैन का अगेन से क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट सपोर्ट फॉर योर यूट्यूब? मेरा बिगेस्ट सपोर्ट कौन है? ऐसे तो मुझे सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ करण ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था तो मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी व्लॉगिंग का, लेकिन मतलब मैंने आगे बनाऊँ नहीं बनाऊँ वो समझ नहीं आ रहा था, सो करण ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सो इसलिए अभी हाँ वो देख के खुश तो बड़ा हो रहा होगा कि हाय मेरे लिए बोल रही है, लेकिन इतना खुश नहीं हो, जो है मैंने बोल दिया, सच ही बोला है। बट चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका है नेक्स्ट क्वेश्चन यार? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है के बी मिस एम आर नो बॉडी। वाह के बी एम आर नो बॉडी क्या नाम है, वाह। वाई योर ब्रदर स्टॉप मेकिंग व्लॉगिंग? ओहो ये तो मेरे भाई के कोई वो लगते हैं फैंस। सो उसने व्लॉगिंग क्यों स्टॉप की है वो तो मेरे को भी नहीं पता क्यों नहीं किया है, बट हाँ इतना पता है कि उसके फ़ोन में थोड़ा इश्यू आ गया, सो वो अभी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है उसने। वो कह रहा है जब मैं न्यू फ़ोन लूँगा सो स्टार्ट करूँगा, अभी उसका कैमरा जो है वो उसको धोखा दे चुका है, सो इसलिए मे बी, और ओरिजिनल रीज़न क्या है वो उसने मुझे बताया नहीं है, सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेट बाबा, बाबा जी जल्दी से बताओ आपको अपने किस डेट को व्लॉगिंग स्टार्ट की थी? 5 सेकंड में बताओ नीचे नहीं, किस डेट को स्टार्ट की थी वो तो याद नहीं है, पर जून में की थी इतनी याद है। ओ शायरी, हाँ हाँ तेरा क्वेश्चन आ रहा है, तेरा क्वेश्चन भी आ रहा है, सिट डाउन आ रहा है, तेरा क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी तावल पड़ी है। ओके इसका क्वेश्चन है कि आप मेरे से प्यार करते हो? हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ शायरी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेट बाबा अगेन, हेटर्स के लिए 2 वर्ड्स, नो मोर देन नो वर्ड्स। ओहो हेटर के लिए 2 वर्ड यार 2 वर्ड्स क्या बोलूँ उनके लिए, तो पूरी महाभारत है, लेकिन 2 वर्ड्स में भाड़ में जाओ। फैक्ट फैक्ट्री, अच्छा नहीं इसको हो गया, नेक्स्ट अब क्या है? अगेन वन मैन यूट्यूब के लिए, ओके नेक्स्ट है इंसल्टेड एम ओपी, इनका है क्या लगता है हेटर्स कौन हो सकता है? हेटर्स बाहर के नहीं होते हैं, हेटर्स अपने ही होते हैं, बाहर का कोई हेटर्स नहीं होता। और इंसल्टेड एम ओ पी अगेन, हेटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? ओह इनको भी बड़ा इंटरेस्ट है मेरे हेटर्स के बारे में, क्या जानना चाहोगे क्या कहना चाहोगे?
ये कि बाढ़ में जाओ मुझे परवाह नहीं है, जो करना है करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जीऊँगी। सो आप मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, हेटर्स। सो इसी के साथ मेरे क्वेश्चंस की एंडिंग हो चुकी है, और आप मुझे बताना आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे। ओके, हाँ ठीक है, इसके क्वेश्चंस मेरे को समझ नहीं आ रहे क्या वो इसका क्वेश्चन ये है कि मुझे आप धूप में क्यों नहीं बांध रहे हो, क्योंकि जहाँ पे ये है वहाँ पे भी छाया आ चुकी है, और इसका ये है कि मुझे धूप में बांधो। सो इसी के साथ मेरे मतलब इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे जो जितने भी मेरे को क्वेश्चंस आए थे वो सब के सब खत्म हो चुके हैं, और अब मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो यही थी मेरी मतलब Q&A वीडियो। सो इसमें मुझे जो आप मेरे से क्वेश्चंस जिसने जो पूछा था मैंने बता दिया। सो बाकी भी कुछ थे, सो उनके आगे क्वेश्चंस नहीं बताए मैंने, सो सॉरी। सो मुझे याद नहीं है मैंने किस किस के बोले। सो इसी के साथ व्लॉग का एंडिंग करती हूँ। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय। रुको जरा, सबर करो, किसी कोई काम है, देखो शायरी। ओए शायरी, मुझे अपनी चप्पल चाहिए वापस, और देखना इसे चप्पल लेने का तरीका क्या है। ऐसे ऐसे देने दे 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 दे। ये रहा मेरा ब्रह्मास्त्र, अब देखना कैसे छोड़ा जाएगी मेरी चप्पल। थैंक यू। कुकिंग करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, अब ये देखो ये सारा कुछ नीचे लेके जाना पड़ेगा, इतनी मुश्किल से ऊपर लाया था वापस नीचे लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं अच्छा लगता मुझे, इसको इधर आना था, यहाँ मैं बैठी हुई थी और यहाँ के ये जो चीज़ें पड़ती थी इसको फाड़ तोड़ करनी थी, इसलिए इधर आया। और ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये शायरी का बॉक्स है, इसमें जो ये छोटा था तब आया था, और आप देखना। ओए चल छोड़ रहे, और अब इसने लाइक को देखो कोई।